वेलकम टू फनी फैमिली व्लॉग्स। और गाइस आज हम जा रहे हैं गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, मतलब नेताजी सुभाष प्लेस में गणपति जी का पंडाल लगा हुआ है लालबाग के राजा के नाम से, जैसे मुंबई में है बहुत फेमस बहुत शानदार। तो मुंबई तो हम नहीं जा पा रहे, मगर फिलहाल दिल्ली वाले गणपति पापा का दर्शन करने जा रहे हैं हम। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बस हम रेडी होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे और देखते कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। अच्छा रहेगा तो आप भी ज़रूर जाना। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी वायरल हो रही है उधर दर्शन को लेके बापा के, VIP और कॉमन लोगों के दर्शन को लेके जैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या माहौल है, दिखाते हैं। ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगता है, अभी रेडी होते हैं और मिलते हैं आप लोगों से और देखते हैं कि कैसा रहता है। सो गाइस मैं रेडी हूँ और ये है मेरे सूट का लुक, तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। मैं भी पहली बार जा रही हूँ और पहली बार सुना भी है, यहाँ तो कभी सुना ही नहीं था। मेला वगैरह भी है, आई होप गुड्डू भी इंजॉय करें, तो चलो आप भी हमारे साथ। सो गाइस हम निकल गए हैं और अभी यहाँ से आधा घंटा दिखा रहा है मैप के हिसाब से और ये कुछ कह रही है आपसे बोल। लोग कह रहे हैं इन्होंने तो ब्लॉग में बोलना ही बंद कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और ये एक्साइटेड रहती है हमेशा, इसको तो हमेशा बाहर ही घुमाते रहो। पंडाल की एंट्रेंस और वो बहुत सुंदर बनी हुई थी। अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे सेल लगी हुई थी, तरह तरह के स्टॉल्स थे, एक बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी प्रोग्राम्स दिखाने के लिए। यहाँ अपने शूज़ रिमूव करने के लिए एक क्यू थी और उसके बाद आगे जाके एक और क्यू थी। अब हम यहीं पे लगे हुए हैं लाइन। सो गया बच्चा। सो लाइन बहुत लंबी नहीं थी और मूविंग क्यू थी, तो इसलिए हमारा नंबर बहुत जल्दी से आ गया था। धीरे धीरे करके हम पापा के दर्शन के लिए जा रहे थे। गाइस पंडाल बहुत ही सुंदर सजा हुआ था और बहुत ही अच्छा माहौल भी था वहाँ का, और काफ़ी स्पेशियस था, फुली एयर कंडीशन था, तो मतलब लोगों को गर्मी पसीने सफोकेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। देख सकते हो आपके कितना स्कोप है। अवीरा ने भी बहुत इंजॉय किया है वहाँ पे, मतलब वो खुला घूम रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको। फिर हम आ गए मेन पंडाल से बाहर और वहाँ मेला लगा हुआ था और बहुत तरीके के स्टॉल्स भी थे, तो हमने स्टॉल्स तो ज़्यादा नहीं देखे क्योंकि हम मेला देखने चले गए थे। और चलो आपको दिखाते हैं। गाइज़ ये मेला बहुत ह्यूज था और यहाँ मैंने कैमल राइड भी देखी थी। जितने राइड्स इस मेले में थे मैंने अभी तक किसी भी मेले में इतने राइड्स नहीं देखे, और छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस थे। और एक बुल वाला गेम था जिसपे किसी ने पार्टिसिपेट भी किया था और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था। सो हमने तो नहीं ट्राई किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है अगर गिर जाते हैं तो, और लगता भी है क्योंकि बहुत चक्कर चक्कर भी आते हैं, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ये देखो ये इन्होंने किया था और काफ़ी देर तक ये डटे रहे। यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल भी था, ये वही भैया हैं जो आइसक्रीम देते नहीं है, बस बेइज्जती कराते रहते हैं लोगों की, बट हम ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि बहुत देर लग रही थी। ट्राई किया अपना फेवरेट गन शॉट वाला गेम। रहा कोई
बहुत मजा आ रहा है। बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ हम NSP के सेंटर में थे और यहाँ हमने दही कबाब और पाव भाजी लिया था। यहाँ हमारा पेट नहीं भरा था और ऑप्शंस भी अच्छे नहीं थे, तो हम किसी और रेस्टोरेंट में चले गए। और यहाँ से देखो NSP कितना सुंदर लग रहा है, सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल गुड़गांव वाला फील दे रही है। हम जा रहे हैं फुटओवर से दूसरी साइड खाने के लिए। बहुत अच्छा कुछ था नहीं, हमने बिट्टू टिक्की वाले से एक पाव भाजी खाया है बस। यहाँ हमें दिखाई दिया पैसिफिक मॉल, और पैसिफिक मॉल के अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे और इसकी एंट्रेंस एस्केलेटर्स के थ्रू थी, तो हम एंट्री कर रहे हैं मॉल में। देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये वाला मॉल हमने कभी विजिट नहीं किया है। देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अवीरा इधर आओ। सो फाइनली हम पहुंच गए रेस्टोरेंट, और उसके बाद हमें पता लगा कि वो तो एक्चुअली मॉल के अंदर था ही नहीं, वो तो बाहर निकल गया ही था, बट इतना घूम घूम के रास्ता था कि हमें पता ही नहीं लगा होता। काफ़ी अच्छी एंट्रेंस थी और बहुत अच्छा वाइब भी आ रहा था। लेट्स सी कैसा है फूड। यहाँ इन्होंने अवीरा को एक हाई चेयर दी थी जिसपे वो बैठ कम और खेल ज़्यादा रही थी। एक बेल्ट लगाई हुई थी बट उसने वो हटा दी क्योंकि उसको पसंद नहीं है बेल्ट वगैरह, बिब्स भी नहीं लगाती है वो लड़की। ऑल इन ऑल हमारा एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने अवीरा के लिए फ्राइज़ दी थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अवीरा के लिए क्या ऑर्डर करें। कुछ एक्स स्पेसिफिकली तो नहीं ऑर्डर कर सकते थे, तो मैं घर जाके उसके लिए कुछ बनाती। रात के 10:45 हो गए हैं और हम निकल चुके हैं घर के लिए। अभी हमें 1 घंटे के आसपास लगेगा घर में, अगर ट्रैफिक नहीं मिला। ट्रैफिक मिल गया तो पता नहीं, और हो सकता है थोड़ा और पहले भी पहुँचे, मेरे इतना है। यूजुअल गुरु के पापा उसको लेके चलते हुए 100 की गति से। हम तो घर वापस आ गए हैं और बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था, मतलब ये था कि पता नहीं क्या होगा, भीड़ भाड़ ना हो और धक्का मुक्की ना हो, बट कुछ भी नहीं था। टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, हम बहुत परफेक्ट टाइम पे पहुंचे थे, जब बहुत बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सब कुछ सही था। सो हम तो कोशिश करेंगे कि अगले साल भी पापा बुलाएं सब परिवार के साथ, ठीक है। और वी होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।